तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ओके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले भी डिस्कस किया था. इफ यू रिमेम्बर, रेस्पिरेशन क्वेश्चन वगैरह मैंने चीजें आपको बताई थी इन कंसर्न टू द रेस्पिरेशन. इनिशियल बताया था रेस्पिरेशन क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. ठीक है, बेसिकली व्हाट इज देयर इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. सबसे पहला तो क्वेश्चन ही हमारे माइंड में आता है कि डू द प्लांट्स रियली रेस्पायर. डू द प्लांट्स रियली रेस्पायर? यस, ऑफ कोर्स दे रेस्पायर. ठीक है, दे आर ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल्सो रेस्पायर. एंड द रेस्पिरेशन दैट इज डन थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड एज अ स्टोमेटा, इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम. ड्यूरिंग द डे टाइम मेजर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू एंटर इनसाइड द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा. ठीक है, तो उस समय पे ऑक्सीजन का जो इनसाइड कमिंग है यानी कि उसका इनलेट है वो ब्लॉक्ड होता है. ठीक है, ब्लॉक्ड इन द सेंस इट इज मिनिमाइज्ड. ओके, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे टाइम इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली इट इज मेंशनड कि हमने जो फोटोसिंथेसिस जो पढ़ा है वो दैट इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. है ना, अगर प्लांट उस समय में भी कंपनसेट करेगा कि ऑक्सीजन ले लो या कार्बन डाइऑक्साइड ले लो तो वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा अच्छे से. है ना, सो इसलिए ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज द प्लांट इज टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा एंड व्हाट इज इट इज रिलीजिंग आउट इज अ ऑक्सीजन. बट इन द सेम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 100% प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन बाहर नहीं फेंक देता. है ना, जो पूरी तरह से जितनी बनी है ऑक्सीजन अंदर वो पूरी की पूरी बाहर नहीं डाल देगा, बाहर नहीं फेंक देगा अपने अंदर से. That is only a you can say bit amount of the oxygen which is given to the environment. Otherwise, it keeps the oxygen safe for itself. अपने लिए भी वो safe करके रखेगा उसी oxygen को जो कि as a byproduct of photosynthesis produce हुआ. समझ आया? ठीक है. Day time की requirement उसकी complete हो गई. अब during the dim light or during the night time, now when the stomata they are not taking any carbon dioxide, they will now be involved in taking up of the oxygen. ठीक है, इसीलिए आपको रिकमेंडेशंस छोटे होते से पेरेंट्स भी करते आते होंगे कि प्लांट्स के पास रात के समय में नहीं जाना चाहिए ज्यादा लंबे समय के. ठीक है, कई लोगों को होता है कि हम लोग ज्यादा सैर करके आए एंड दे जस्ट गो एंड सिट ओवर देयर आल्सो जस्ट फॉर रिलैक्सेशन. सो दिस इज ओनली अ बैड व्यू. क्यों? क्योंकि उस समय पे दे आर रिलीजिंग आउट मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उस समय पे वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सराउंडिंग्स में ज्यादा है, आपकी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो और रात के समय में प्लांट्स के पास जाके बैठ जाते हो, घंटों घंटों बैठे रहते हो. ठीक है, सो दिस इज नो वे टू जस्ट हैव द, क्योंकि उसी समय उसी वजह से हम लोग ये भी बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक्स आर द बेस्ट वंस. व्हाई द मॉर्निंग वॉक्स आर द बेस्ट वंस? बिकॉज एट दैट टाइम द प्लांट हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द फोटोसिंथेसिस है ना एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन सरप्लस अमाउंट में हमारे पास आ गई. हम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं जब भी हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपका आसपास इतना ज्यादा रिचली एनरिच्ड होता है ना विद ऑक्सीजन, आपको सांस बड़ी अच्छे से आती है. ठीक है, यू फील वेरी लाइट विद इन. डन, सो दिस इज व्हाई वी से दैट प्लांट्स के पास हमें रात के समय नहीं जाना चाहिए. ऑल्सो डू द प्लांट्स रियली रिस्पायर? यस, ऑफ कोर्स दे रिस्पायर. ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम दे कंप्लीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम That is only respiration which is going on in the plants. ठीक है जी, done. Furthermore, हम लोगों ने respiration in humans भी पढ़ा. उसमें हमने ये किया था respiratory substrates के बारे में भी discussion कि respiratory substrates क्या होती हैं. These are the ones on which the oxygen is going to react. है ना? In humans, organisms are the aerobically respiring organisms. In the presence of oxygen, respire करते हैं हम. ठीक है? In plants also, the organisms are all aerobically respiring organisms. है ना? तो जब ये aerobically respire कर रहे हैं, मतलब oxygen का presence है कि नहीं? For giving out the energy, है ना? तो oxygen लिया क्यों जा रहा है? That is वो अपने food को oxidize करवा सके और उससे energy जो है वो निकल सके. उस energy को हमने daily routine works में use करना है ना? यहाँ पे भी ऐसा ही है. In plants के पास भी ऐसा ही है. जितने हमारे फूड के कंपोनेंट्स डाइजेस्टेड फाइनल डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं दे ऑल एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. सबस्ट्रेट इज दैट केमिकल, दैट फॉर्म ऑफ द यू कैन से केमिकल व्हिच इज प्रेजेंट विद इन द सेल्स ऑन व्हिच द ऑक्सीजन इज गोइंग टू रिएक्ट. एंड ये जो हमारे पास केमिकल्स आते हैं ये कहाँ से आते हैं? फूड से. ठीक है, हम लोगों ने जैसे खाना खाया,
डाइजेशन आपको याद है ह्यूमंस की, है ना, उसमें हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की फाइनल डाइजेस्टिव एंड एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज. ग्लूकोज एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एंड इट इज द बेस्ट ऑफ द ऑल रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स. ठीक है, सेकेंड हमारे पास फूड है प्रोटीनिशियस फूड. प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड ऑल्सो एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट. दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर द ऑक्सीजन एक्शन एंड हेंस गिविंग आउट द एनर्जी. सिमिलर इज द फैट्स. फैट्स डाइजेशन लीड्स टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. सो ग्लिसरॉल ऑल्सो एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट. मतलब ये सब रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट की तरह एक्ट करेंगे, जिसके ऊपर ऑक्सीजन ने एक्शन करना है प्लस एनर्जी देना है. ठीक है, सो दोज आर द रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स. सो इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी रीडिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एंड ऑल्सो वन टर्म विच आई जस्ट सेड कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेस्ट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स. व्हाई? दैट इज बिकॉज दे गिव आउट द रेस्पिरेटरी कोशेंट एज द बेस्ट वन. अब वो कोशेंट और सब्सट्रेट जो है ये हम आपको एंड ऑफ द चैप्टर में पढ़ाएंगे. ठीक है, क्लियर? Now, जब भी हम स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस रेस्पिरेशन, अभी मैंने क्या बोला, इट हैज टू एक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट. ऑक्सीजन हैज टू एक्ट ऑन इट, है ना. इन टेंथ ऑल्सो यू पीपल हैव स्टडीड अबाउट द पाथवेज फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. पढ़े थे कैसे होते हैं, एरोबिक एनारोबिक होता है. ग्लूकोज किस में टूटता है सबसे पहला, पाइरुवेट में, है ना. ग्लूकोज सबसे पहले पाइरुवेट में टूटता है और पाइरुवेट आगे बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Which are the end products of the respiration? Done. ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है. सबस्ट्रेट कौन है, ग्लूकोज, अभी हमने बोला. तो ग्लूकोज के ऊपर एक्शन होगा, कन्वर्जन हो जाएगा, आगे फर्दर पाइरुवेट बनाएगा, पाइरुवेट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज आउट होगा. डन. ग्लूकोज से लेके पाइरुवेट तक का फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. सॉरी, ग्लूकोज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. Glycolysis. Lysis means breaking down. Glyco term signifies glucose. Glycolysis. Okay. Done. As an end product, this is going to form pyruvate. We will construct the whole glycolysis tomorrow. You just have an information of this glucose to pyruvate. क्योंकि अभी complete नहीं होगा, time is just less. ठीक है, तो कल हम इसका ग्लाइकोलाइसिस और प्लस क्रेब्स साइकिल दोनों ड्रॉ कर देंगे. हाँ जी, ग्लूकोज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पाइरुवेट. डन. पाइरुवेट फर्दर ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड दे आर कॉल्ड एज अ दे आर समड अप एज इन द फॉर्म ऑफ अ साइक्लिक चेंजेस कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. ठीक है, पाइरुवेट अंडरगोज द क्रेब्स साइकिल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. डन. ठीक है, एक और चीज जो ध्यान में रखनी है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज C6H12O6, दिस इज अ सिक्स कार्बन एटम कंपाउंड, राइट. पाइरुवेट इज अ थ्री कार्बन एटम कंपाउंड. डन. ओके, this is six carbon atom compound and pyruvate is three carbon atom compound. So when one glucose molecule breaks, how many pyruvates will be generated? Two. ठीक है, तो यहां पे two pyruvates are going to be generated. Done. अब ये दो कैसे बनते हैं, एक टूट रहा है दो बना रहा है, that is because of isomerism. Isomeric forms बनती हैं, gap and gap बीच में बनती हैं दो. ठीक है, isomeric forms होती हैं. That is as a you can say sequential order breaking down of glucose leads to the formation of two isomers. That is DAP, dihydroxy acetone phosphate, and gap, ye interconvertible hoti, that is glyceraldehyde phosphate, 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate. ye dono cheeze ban rahi hain hamare iske sequential order mein, glycolysis ke sequential order mein, unki wajah se, kyunki ye dono isomeric forms hain, dono ek jaise hi hain. ab jab ye ban gayi, taiyar ho gayi, to ye isne alag pyruvate banana hai, isne alag pyruvate banana, क्योंकि दोनों तो स्ट्रक्चरली आइसोमर्स. क्या होते हैं केमिकल्स में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, स्ट्रक्चरली दे आर सेम. ठीक है, सो क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चरली सेम है तो सिमिलर चेंजेस इसके बाद बनती है. सो अगेन अंडरगोइंग द सिक्वेंशियल ऑर्डर चेंजेस इट रिजल्ट्स इन द पाइरुवेट वन एंड पाइरुवेट टू. दो पाइरुवेट्स ज्यादा क्यों बनाएगा, वो दो ग्लूकोज होंगे तो चार बनेंगे.
क्योंकि हर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पाइरूवेट बना रहा है, ग्लूकोज के सिक्वेंशियल ऑर्डर चेंजेस आती है, मतलब नियरली चौथी के रिएक्शन में ये गैप बनता है, ठीक है, फोर्थ रिएक्शन रिजल्टिंग इनटू दिस ढैपन गैप एंड नियरली फाइव मोर रिएक्शंस अंडरगोइंग फॉर्मेशन ऑफ द पाइरूवेट, समझ गए? तो इसलिए वो एक बिग फ्लो चार्ट है, सो कांट बी कंप्लीटेड टुडे, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आप इतना समझ लो इसके बारे में, ठीक है, कल आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा, कल हमें सिर्फ एनलिस्ट करना होगा, तो आज सिर्फ समझ लो, ठीक है. नेक्स्ट इज एवरी पाइरूवेट मॉलिक्यूल हैज टू एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल. मतलब क्या कि इस गैप ने जो पाइरूवेट बनाया वो अलग से क्रेब्स साइकिल चलाएगा, यहां से एक पाइरूवेट बना, पाइरूवेट ऑल्सो कॉल्ड एज पाइरूविक एसिड, यहां से अलग पाइरूवेट बना, है ना, बिकॉज ऑफ द सिक्वेंशियल ऑर्डर रिएक्शन. ये डॉटेड बना रही हूं मैं, जस्ट शोइंग की बहुत सारी बीच में चेंजेस है एंड फाइनल इज द लास्ट दैट इज द पाइरूवेट. ओके, समझ आया? तो यहां पे जब पाइरूवेट बना, एवरी पाइरूवेट हैज टू एंटर अ क्रेब्स साइकिल, मींस दिस पाइरूवेट इज गोइंग टू कवर अप वन क्रेब्स साइकिल, है ना, एंड अनदर पाइरूवेट अगेन इट अंडरगोज अ अनदर क्रेब्स साइकिल, समझ आया? लेकिन हमने जब बनाना है हमने एक ही क्रेब्स साइकिल बनाना, कैलकुलेशंस हमने मल्टीप्लाई करके करनी है. कैलकुलेशंस किस चीज की? दैट इज ऑफ द एनर्जी बैलेंस शीट हम इसको बोलते हैं, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दोनों जो हमारे चेंजेस हैं ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स साइकिल, इन दोनों का बैलेंस शीट तैयार करा जाता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना एनर्जी यूज हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, एंड में नेट कितना बच गया, दैट इज अ बैलेंस शीट, समझ आया? देखो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, पहले ये एनर्जी लेता है फिर उसके बाद कुछ एक स्टेप्स आते हैं जिसमें ये बनाना शुरू कर देता है, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मेड टिल दिस, इट्स ओनली नेट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स, नेट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस स्टेप. फिर उसके बाद मल्टीपल चेंजेस आती हैं, बहुत सारी चेंजेस आती हैं, एंड हेंस रिजल्टिंग इनटू अ टोटल ऑफ 36 to 38 ATP मॉलिक्यूल्स. दो सिर्फ यहां पे बनेंगे, बाकी सारे एडिशनल वहां पे बनेंगे क्रेब्स साइकिल से, ठीक है. तो बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जितना इंपॉर्टेंट ये ग्लूकोज से पाइरूवेट तक जाना है उतना इंपॉर्टेंट उसका बैलेंस शीट है. कई बार कल्ला क्वेश्चन बैलेंस शीट पे आता है, व्हेन आई बी डिस्क्राइबिंग आई टेल यू दैट ऑल्सो, ठीक है. वन थिंग मोर, नाउ दिस ग्लूकोज, इज द ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द सेम वेरी फॉर्म इन द प्लांट्स, or it is something else which is there in the plants as a stored form of the food in the plants? It is starch. Starch is a stored form of the food which is there, but the glucose it is produced as in plants, it is not as in the form of the glucose. Starch complex sugars hai, theek hai, usse bhi zyada ye glucose bahut simplest hai. Hum end mein bolte hai ki glucose last product hai, hai na, because it is the only single monomer. Aise bahut sare monomers jud jayenge to wo polymers banate hai jo ki still complex hai. सुक्रोज उनमें से एक है शुगर्स में, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू स्टार्च एंड ऑल, राइट. सो सुक्रोज शुगर इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. देन व्हाई वी डू राइट दैट ग्लूकोज एंटर्स इनटू दिस ग्लाइकोलिसिस, बिकॉज द सुक्रोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है. यहां पे सुक्रोज ने ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज इनवर्टेज. This inverts it. This basically changes this polymer into a monomer, and that is of glucose. ठीक है, जिस जिस मॉलिक्यूल ने ग्लाइकोलिसिस एंटर करा, यानी जहां पे ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर एक्शन हुआ, जिस जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्शन हुआ, है ना, वहीं पे ये चेंज आया, सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आई, प्लस उन्होंने आगे अंडरगो करनी है वेरियस चेंजेस. जब एक बार ये चेंज हो गया, then it is going to stop only after the formation of carbon dioxide and water. समझ आया? ठीक है, clear हुआ, right? So this is about the glycolysis and the Krebs cycle. आपने जो 10th में पढ़ा था उसमें आपने anaerobic respirations भी साथ में पढ़ी थी. इस chapter में plants में आपको anaerobic respiration नहीं है, humans के case में शायद fermentation जैसा कुछ अक्षर लिखा होगा तो वो पढ़ लेना, ठीक है, हमने नहीं discuss किया है. guys, that is an anaerobic product. फर्मेंटेशन से एल्कोहल बन जाती है, शुगर से एल्कोहल हो जाती है, बन जाती है, एंड वी कॉल इट एज अ फर्मेंटेशन, ठीक है, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वैसे मुझे नहीं लगता उसमें भी है, बट आप देख लेना एक बार,
तो यहाँ पे भी सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन का कंसेप्ट है इन्वॉल्विंग द टू ऑफ द मेजर स्टेप्स एंड दीज टू इन इटसेल्फ आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फॉर दिस चैप्टर्स असाइनमेंट यू आर गोइंग टू राइट लिखो इन योर असाइनमेंट कॉपीज राइट द फ्रेम द ग्लाइकोलिसिस फ्रेम ग्लाइकोलिसिस नंबर वन नंबर टू क्रेब्स साइकिल नंबर टू इज क्रेब्स साइकिल नंबर थ्री इज अ बैलेंस शीट फॉर द होल रेस्पिरेशन ठीक है एक ही बैलेंस शीट बना लेना इकट्ठी पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस की ठीक है बस ये तीन चीजें आपने इस असाइनमेंट कॉपी पे करनी है डन एनी क्वेश्चन एनीथिंग यू वांट टू आस्क यस